नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में। सीधी जिला प्रतिभा का मोहताज नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं सीधी जिले के कौटिल्य की, या कहें कि संस्कृत के कौटिल्य की। इस बच्चे का नाम है आराध्य तिवारी, जिसका जन्म 15 जुलाई 2015 को ग्राम फुलवारी, तहसील बहरी, जिला सीधी में हुआ। आराध्य के जन्म लेते ही परिवार में खुशियाँ आईं और सभी ने आराध्य का स्वागत किया। सीधी जिले के 7 साल के बालक को संस्कृत के 400 श्लोक कंठस्थ याद हैं। उसे स्वस्ति वाचन सहित कई और वेद की ऋचाएं याद हैं। दोनों पैर से दिव्यांग आराध्य तिवारी अपनी उम्र से बड़े लोगों को संस्कृत व हिंदी का सही उच्चारण सिखाता है। 6 वर्षीय आराध्य जन्म से ही दोनों पैरों से दिव्यांग थे। दोनों पैर आपस में मुड़े हुए हैं। आराध्य को शुरू से ही सनातन धर्म और संस्कृत की ओर विशेष रुचि रही है, जिसको उनके नाना ने पढ़ा तथा नाना के मार्गदर्शन में ही उनके पूजा पाठ के दौरान आराध्य को संस्कृत के 400 श्लोक, स्तुति वाचन, गणेश वंदना सहित कई संस्कृत के ज्ञान कंठस्थ याद हैं। जब हमारे द्वारा 6 वर्षीय बालक आराध्य तिवारी से स्वस्ति वाचन पढ़ने के लिए बोला गया, तो वह बिना किसी झिझक के स्पष्ट शब्दों में ऐसे उच्चारण करने लगा जैसे काशी का कोई प्रकांड विद्वान मंत्रोच्चारण कर रहा हो। इस बालक के मामा वेद प्रकाश शुक्ला, जो पेशे से ग्राम पंचायत फुलवारी के रोजगार सहायक हैं, उन्होंने बताया कि आराध्य अपने नाना के साथ पूजा पाठ करते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में यह सभी कुछ सीखा है। क्षेतारो दिवे दिवे देवाडं मद्रा सुमद्रेजुयतां देवानं वंग्रातिरभिनो निवर्ततां देवानं वंसख्यमुपसे धीमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तो जीवसे तान् पूर्वयाग्निविदा उमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षपस्त्रेदाम् हर्यमणं वरुणग्भं सोममस्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत तन्नो वातु मयो भुवातु भेखयं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदस्मिन् शृणुतं निघ्नयायुवं तमीशानं जगतस्तस्थोकस्पातिम्। ये रिश्ते में आपके कौन हैं? ये हमारे भांजे हैं जी। जैसे इन्होंने स्वास्थ्य वाचन वगैरह किया, पूजा ये करते हैं। हाँ, अभी आपने बताया कि इनकी उम्र मात्र 6 वर्ष है। 6 वर्ष। ये कहाँ से इन्होंने सीखा और किस परिवेश में सीखा? ये हमारे घर का माहौल है ऐसा पूजा पाठ वाला है, क्योंकि हमारे घर में सभी पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इनके जो अध्ययन का कार्य है, स्वस्ति वाचन हुआ और गणेश वंदना जो भी हुआ, ये सब अपने नाना से सीखते हैं। ये नाना के पास बराबर लगे रहते हैं और नाना इनको बराबर सिखाते रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम वेद प्रकाश शुक्ला है। कौन सा ये गांव है? ये फुलवारी गांव है।